सानिया को देख क्यों आ जाती है आमिर खान को जूही चावला की याद। आमिर खान की फिल्म दंगल से सानिया मल्होत्रा को बड़ी पहचान मिली। विशाल भारद्वाज ने दंगल देखकर सानिया को अपनी फिल्म पटाखा ऑफर की। सानिया ने अपनी बातचीत में कहा कि उनकी जिंदगी में आमिर खान की अहमियत बहुत ज्यादा है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि वो हर वक्त आमिर खान को तंग करती रहे, लेकिन वो कहती हैं कि दंगल के बाद आमिर सर, किरण मैम, फातिमा और नीतीश सर मेरे लिए परिवार की तरह हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि उनकी ये कोशिश नहीं होती कि वो आमिर को बेवजह फोन करें। फिल्मों के चुनाव को लेकर वो कहती हैं कि मैं उनसे सलाह नहीं मांगती, लेकिन दंगल फिल्म के बाद मुझे कुछ भी लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है तो सबसे पहले उन्हें बताती हूँ। हाल ही में सानिया ने मुंबई के वर्सोवा के 4 बंगले इलाके में घर लिया तो सबसे पहले आमिर को बताया। वो कहती है कि मैंने कुछ समय पहले मुंबई में 4 बंगला में घर खरीदा और आमिर सर को मैसेज करती हूँ और फातिमा को कॉल, वो मेरे बस एक कॉल की दूरी पर है। सानिया ने बताया कि आमिर को उन्होंने खुद जाकर ट्रेलर दिखाया था और आमिर ने उन्हें वादा किया था कि वो पटाखा जरूर देखेंगे। आमिर ने काफी शुभकामनाएं भी दी थी सानिया को। बातचीत के दौरान सानिया ने एक दिलचस्प बात शेयर की। रिपोर्टर ने उनसे कहा कि बातचीत का अंदाज उनका जूही चावला जैसा है। जब शुरुआती दौर में जूही ने शुरुआत की थी और इंटरव्यू दिया करती थी तो ऐसे ही बात करती थी। सानिया ये बात सुनकर चौंकी। उन्होंने कहा कि अरे ये बात तो मुझे आमिर सर भी कहते हैं। उन्होंने मुझे देखकर जूही चावला मैम की शुरुआती दिनों की याद आती ऐसा कहा था। आमिर ने सानिया से कहा कि सानिया की बातचीत का अंदाज ठीक वैसा है जैसा जूही का था। सानिया ने कहा कि मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि जूही की फिल्म देखना मुझे हमेशा से पसंद है और वो चाहेंगी कि जिस तरह से जूही ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है वैसा मुकाम वो भी हासिल करें।